जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। जब से ये गाना एक्चुअली डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों? क्योंकि वास्तेज क्रॉस्ड 1 बिलियन के पर हम आपसे मिल नहीं पाए। हाँ जी, वो क्रॉस किया एंड नाउ नैन अब हम देख रहे हैं कुछ 42 मिलियन क्रॉस कर चुका है। सो क्या फील करती है सब जब से ये गाना आया है? लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं एंड बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है इस गाने को। आपको क्या लगता है? आप आपको अच्छा लगता है तो अगर आपको अच्छा लगता है तो और लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छा ही होगा। हमने बहुत मेहनत की है, जोक्स अपार्ट, बहुत मेहनत की इस चीज़ पे, इस गाने पे, एंड इट्स बिन गोइंग ऑन। आई थिंक हमने लॉकडाउन की शुरुआत में प्लान किया था एंड देन तब से हम प्लान ही कर रहे थे और उसके बाद हमने अभी आई थिंक 8 दिन पहले शूट किया बिफोर इट रिलीज्ड, 8 डेज बिफोर वी शॉट, बिफोर इट रिलीज्ड, एंड इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी एंड आई जस्ट होप कि आप सबको गाना पसंद आया है और आई जस्ट होप कि उस 5 मिनट के लिए आपके मुंह पे एक स्माइल आई और या बस यही मैं चाहती थी एंड आई जस्ट होप दैट हैपेंड। एंड हाल ही में मैंने विनय एंड राधिका सपूर जी का मैंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ध्वनि भानुशाली जी के साथ में काम किया इस गाने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी लड़की है जो सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सो आप बताइए, क्योंकि वास्ते भी आपका उनके साथ में एसोसिएशन था। हाँ जी। सो आप बताइए कि जब इस तरह से अप्रिशिएट मिलता है कोई हमारे इंडस्ट्री का सीनियर एक्टर इस तरह से कमेंट करता है आपके लिए, सो क्या फील करते हैं? मुझे बहुत अच्छा फील होता है उनके साथ काम करके। आई थिंक देयर रियली अमेजिंग डायरेक्टर्स। वो म्यूजिक समझते हैं एंड वो एक गाने को कैसे पिक्चराइज करना है वो समझते हैं एंड वो आर्टिस्ट को समझते हैं एंड आई जस्ट फील के वो बहुत बड़ी बात होती है एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट वो मेरे लाइफ में हैं एंड उन्होंने ये गाना डायरेक्ट किया, वीडियो डायरेक्ट किया एंड वास्ती भी डायरेक्ट किया एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल टू देम। एंड गाने का जो फीचर किया गया वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड लोग जो है आप कितना मानती हैं कि अभी भी जो है रैगिंग होती है एंड रैगिंग को बंद होना चाहिए जिस तरह से मैसेज है एक नए आई फील लाइक हमने बहुत स्वीटली चीज़ें दिखाई है। हमने बेसिकली प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको भी कम करके दिखाया है और रैगिंग इन टर्म्स ऑफ कॉलेज ऐसे किसी को धक्का देना नहीं होता होगा, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है बट होती है। आई फील लाइक अभी भी यू नो इमोशनली अ लॉट ऑफ पीपल गेट हर्ट, सो आई थिंक हम सबको थोड़ा सोच समझ के एक्शंस करना चाहिए। इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू समटाइम्स हर्ट पीपल, सो थोड़ा समझ के यू नो थोड़ा हार्ट अच्छा रख के हमको लोगों से बात करना चाहिए या बिहेव करना चाहिए एंड आई थिंक दैट्स वन मैसेज दैट्स गॉन इन द सॉन्ग एंड अदरवाइज ऑल्सो व्हेन द फ्रेशर कम्स इन, यू कॉल मी अ फ्रेशर बिकॉज आई एम ऑलवेज, जब भी मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो बहुत सेल्फ डाउट होता है एंड दैट्स वन क्वालिटी इन मी, बट वंस आई एम कम्फर्टेबल इन दैट सिचुएशन देन आई किल इट यू नो। सो वो आई थिंक विनय राधिका ने काइंड ऑफ दे सॉ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैव स्पेंट विद देम, आई थिंक दे नो मी दैट मच एंड ये चीज़ जो है वो बाहर लाए हैं इस वीडियो के जरिए एंड मेरे जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ होंगे, सो आई फील लाइक दे विल रिलेट विद समथिंग लाइक दिस। अब हम देख रहे हैं कि गाने के साथ साथ में अब स्टोरी भी आती है एंड स्टोरी चलती है एंड अब ये जो ट्रेंड चेंज हो चुका है इसे कैसे देखती है ध्वनि जी? आई फील लाइक कुछ कुछ गानों की स्टोरी होती है, कुछ कुछ गानों में स्टोरी नहीं भी होती है, बट मेरे हिसाब से गाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर गाना कुछ नहीं कह पा रहा है तो आपका वीडियो भी कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ 60-40 एंगल, एक्चुअली 60-40 भी नहीं, वो गाना अच्छा होना ही चाहिए
अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपका वीडियो क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा? यू नो इट इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम, बट म्यूज़िक तो यू नो कान को पहले लगना चाहिए, फिर दिल को लगना चाहिए. अगर दिल को लगेगा नहीं सुन के, तो फिर आप देख के क्या करेंगे? So, वो आपने भी पढ़ा होगा कई बार कि वास्ते से ही लोग बोल रहे हैं कि ध्वनि जी आप एक्टिंग कब करेंगे. आप बताइए, ये सवाल जो है ऑडियंस हमेशा आपका, जब भी कोई सिंगल आए, आप एक पिक्चर भी पोस्ट करती हैं तो लोग ये सवाल जरूर डालते हैं कि ध्वनि जी इतने ब्यूटीफुल म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हैं, 1 मिलियन वास्ते क्रॉस किया है, ये टच करने वाला है, 50 मिलियन क्रॉस करने वाला है. सो आप बताइए, सवाल जो एक ही होता है कि ध्वनि जी एक्टिंग कब कर रही है. मुझे एक्चुअली पहले तो अपने म्यूज़िक पे फोकस करना है. एंड एक आदमी अपना दो पैर यू नो दो जगह पे नहीं रख सकता है. मुझे थोड़ा स्टेबलाइज होना है. एक मैंने जो डिसाइड किया है, मुझे पॉप आइकन बनना है. तो मैं पहले उस रास्ते पे चलना चाहती हूँ, और अब जो थोड़े साल बीत जाएंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई हैंड एट एक्टिंग, बट बिफोर दैट आई नीड टू लर्न द क्राफ्ट. सो आप चाहेंगे कि ये गाना नैन भी 1 बिलियन में टच हो जाए, ऐसे कुछ ऐसा सोचती है ध्वनि जी? सर मैंने वास्ते भी नहीं सोचा था 1 बिलियन टच हो जाएगा. मैं ये एंगल में जैसे लोग समझते हैं, मैं ऐसे सोचती ही नहीं. मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, अच्छे गानों पर काम करूँ. मैं यही सोच होती है मेरी, और उसके बाद जो है वो जब गाना रिलीज होता है वो ऑडियंस का हो जाता है. वो इट्स नॉट नो लॉन्गर माइन. आई हैव डन ऑल माय एफर्ट. मैंने सब जो मेरे हाथ में था मैंने कर दिया है. एंड उसके बाद मैं सोचती हूँ कि ऑडियंस इसको जहाँ पहुँचाना होगा वो पहुँचाएगी. सो आने वाले दिनों में और कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे ध्वनि जी के? आने वाले दिन में तो सर पहले तो आप न्यू ईयर मनाओ. ये इस साल का मेरा आखिरी गाना है. और उसके बाद 2021 में बहुत गाने आएंगे. बट फॉर नाउ आई थिंक एवरीवन शुड लिसन टू नयन एंड फील हैप्पी. एंड आफ्टर दैट एंजॉय न्यू ईयर्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी सेफ. एंड या मैं यही चाहती हूँ कि अभी 2020 ख़त्म हो जाए. हमने वीडियो में भी कहा है फेयरवेल 2020. थैंक यू.